नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उम्र विवाद मामले में मेयर सीमा साह की बढ़ी मुश्किलें, भागलपुर नगर निगम की सियासत हुई तेज। सोमवार से बहाल होगी बैंकिंग सेवा, दो दिवसीय हड़ताल से करोड़ों का कारोबार हुआ प्रभावित। दो दिवसीय अंगिका महोत्सव का हुआ समापन, अंगिका को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उठी मांग। नाथनगर में दो गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों को कराया शांत। और डॉक्टर अजय ने बनाया डफेट उपकरण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग से मांगी विशेष जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। उम्र विवाद मामले में इस मेयर पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल गलत जन्म तिथि देकर पार्षद और मेयर बनी सीमा शाह के खिलाफ नगर निगम की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद मामले की जाँच पुलिस के वरीय अधिकारियों ने की। इधर मेयर पद को लेकर निगम की सियासत भी तेज हो गई है। वहीं मेयर सीमा शाह से जब उम्र विवाद को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इधर नगर निगम की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि तत्काल मेयर को नैतिकता के तहत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सच्चाई तो बहुत पहले ही सामने आ जानी चाहिए, जिस इसको 90 दिनों के भीतर उजागर करना चाहिए था उसको उजागर करने में 2.5 वर्ष लग गए। लेकिन कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, तो जो सच्चाई है आज जनता भी जानना चाहती थी और आज सच्चाई जनता के सामने है। मैं सबसे पहले पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने देर से ही लेकिन सच्चाई को सामने लाया। इसमें पहले तो नो कमेंट और न्यायालय पर भरोसा है। बैंकिंग सेवाएं सोमवार से शुरू हो जाएगी। वहीं यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शनिवार को भी बैंक के अधिकारी और बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का असर आम जनजीवन पर साफ दिखा। बैंक बंद रहने से भागलपुर जिला में लगभग 7 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। जिले भर की करीब 800 शाखाएं बंद रही, साथ ही विभिन्न बैंकों के एटीएम पर भी ताला लटका रहा। वहीं भागलपुर एसबीआई के आंचलिक कार्यालय के बाहर बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। सुबह से ही विभिन्न बैंकों के बाहर संगठन के पदाधिकारियों ने बैंक कर्मियों के लंबित वेतन वृद्धि समझौता, सम्मानजनक पेंशन, नई पेंशन योजना को वापस लेने और 5 दिवसीय बैंकिंग सेवा समेत 12 सूत्री मांग की। इस दौरान बैंक कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार की नीतियों की निंदा की। UFBU के संयोजक अरविंद कुमार रामा ने हड़ताल को सफल बताया। वहीं SBI के संगठन अध्यक्ष प्रदीप ने कहा कि 11वां वेतन समझौता वार्ता विफल होने के कारण बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इधर आईबॉक के जिला सचिव प्रशांत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में बैंक कर्मियों ने घंटाघर चौक के समीप बैनर तख्ती लेकर जमकर प्रदर्शन किया और समाहरणालय जाकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। सैलरी सेटलमेंट है, एक सम्मानजनक सैलरी सेटलमेंट है। लगातार हम लोग अभी 19% अपने सैलरी पे दिए हैं, वो करना है। 5 दिन बैंकिंग जो पुराने समय से ही पिछले 2017 से जिस मांगों को सैद्धांतिक रूप से हमारी सरकार ने मांग ली थी उसको भी नकार दिया गया है। और 5 डेज बैंकिंग, यही क्रक्स तो 3 ही एरिया है। उसके बाद पेंशन अपडेशन है, फैमिली पेंशन जो बहुत पाल्ट्री मिलता है, हमारे एक CGM लेवल के अफसर जो 2005 में रिटायर किए हैं उनको सिर्फ 12,500 पेंशन मिलता है। इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं है। सर देखिए, हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है उसको लेकर हमारी मांग है कि जो हमारा वेज सेटलमेंट है वो जल्द हो, कि वो सर नवंबर 2017 से अभी तक नहीं हुआ है। और स्ट्रेटजी तो बस यही है सर। दो दिवसीय अंगिका महोत्सव रविवार को भागलपुर के वृंदावन भवन में संपन्न हुआ। वहीं शनिवार को महोत्सव का उद्घाटन स्वामी आगमानंद जी महाराज, पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामाश्रय यादव, गोड्डा विधायक अमित मंडल, लखनलाल पाठक, रविशंकर सिंह, शिवशंकर सिंह परिजात, डॉक्टर वीणा यादव और आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। दो दिवसीय महोत्सव के पहले दिन कई अंगिका प्रेमियों ने अपने विचार रखे और अंगिका को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की। महोत्सव के संयोजक गौतम सुमन ने कहा कि यह कार्यक्रम अंगिका भाषा को नई ऊर्जाई प्रदान करेगा।
वहीं वक्ताओं ने अंगिका महोत्सव को अंग की धरती के लिए गौरव बताया। महोत्सव में श्री राम कृष्ण, चंद्र प्रकाश, डॉक्टर अमरेंद्र, प्रसून लतांत, डॉक्टर अजय कुमार सिंह समेत कई शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और धार्मिक गुरु शामिल हुए। महोत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मौके पर अंशुमाला झा, नारायण दास समेत कई लोग मौजूद थे। हमरो अंग क्षेत्र में जो लोक साहित्य छे, लोक नृत्य छे, लोक कथा छे, ओकरा प्रस्तुति के माध्यम से हम अपनो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बताबे ला चाहे छे कि जब एक दू स्टेट के लोक भाषा के हुनी संविधान का आठवां अनुसूची में जगह दे छे तो हम बिहार झारखंड सहित देश विदेश का एनो कोई प्रांत कोई जिला नहीं है जहाँ हम लाखों का संख्या में मौजूद नहीं छे। बिहार झारखंड के खाली बात कर लो जाए 21 जिला में लगभग हम 7 करोड़ लोगों का लोक भाषा छे, आत्मा में बसे छे। उनके जनपद की स्थापना तो ऋग्वेद काल में ही उसकी हो चुकी थी और उसके बाद इस क्षेत्र ने इतने बड़े बड़े सशक्त राजाओं को जन्म दिया है कि मतलब जिसमें कि अंग एक बहुत पराक्रमी राजा थे और उन्हीं के नाम पर इस अंग जनपद का नाम भी पड़ा है। इतने ब्राह्मण में एक मंत्र आया है जिसमें कहा गया है कि राजा अंग ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके अश्वमेघ यज्ञ किया था। आप सोच सकते हैं कि यह अंग तब कितना विस्तृत होगा। नाथनगर गोसाई दासपुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान शनिवार को दो गुटों के बीच झड़प को लेकर रविवार की अहले सुबह दोनों गुटों के बीच फिर से जमकर पत्थरबाजी हुई। हिंसक झड़प व पत्थरबाजी में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार घटना के बाबत बताया जा रहा है कि हरिजन टोला के एक व्यक्ति की पिटाई शुक्रवार को यादव टोला के लोगों ने की थी, जिसको लेकर हरिजन टोला में काफी लोग आक्रोशित थे। इसी को लेकर शनिवार की शाम जब यादव टोला के लोग सरस्वती प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्रा हरिजन टोला से गुजर रही थी तो आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया था। देखिए, ये ध्वज मूर्ति स्थापित था और उसी में बच्चे से लड़ाई शुरू हुआ और आगे मामला बढ़ गया। वर्तमान में जो जख्मी हुए हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं। कितने लोग जख्मी हुए सर? हमें लगता है कि दोनों पक्ष से 5-6 आदमी जो सामने आए जी सर, 5-6 में दिखाया कि जख्मी हुआ है सर। कोई विशेष जख्म नहीं है सर, वो जो होता है अपना मारपीट जख्म है। और जो दो मूर्तियाँ थी हम लोग अपना उपस्थिति में और जनप्रतिनिधि भी थे और अनगणमान लोग भी थे सर, उपस्थिति में मूर्ति गंगा जी में विसर्जन कराया। अभी शांति बहाल है और हम लोग आगे कोई प्रॉब्लम ना हो पुलिस अपराध कैंप करवा दिया है और कल हमने कहा है थाना प्रभारी को, सीओ साहब को, दोनों बैठक भी किसकी मीटिंग भी कर लेंगे। रविवार को फिर से दोनों गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प और पत्थरबाजी हुई जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज मायागंज व निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद, ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश चौधरी, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष श्रीकांत अपने दल बल के साथ दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कराया। वहीं सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। कल जो घटना घटी तो उसमें हम लोग लगातार गांव में आए हुए हैं ताकि कोई अलग से कोई बात ना बढ़े, शांति बनी रहे, बस यही प्रयास। आज सर सुबह में भी मारपीट की घटना हुई, किस तरह से? हाँ, तो इसीलिए तो आना पड़ा, आए हुए हम लोग, जो कार्रवाई होनी है कानूनी होगी। कितने लोग घायल हैं? अब ये इंस्पेक्टर साहब बता पाएंगे, एक आदमी शायद घायल है, एक ही आदमी पर ज्यादा मामला है। अपने डॉक्टरी पेशे से ऊपर उठकर भागलपुर के डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने आपात स्थिति से निपटने के लिए एक उपकरण का निर्माण किया है। उपकरण का नाम डॉक्टर अजय ने डफेट सिस्टम दिया है। सूरत में हुए हादसे के बाद काफी मशक्कत के बाद डॉक्टर सिंह ने इस उपकरण को तैयार किया। वहीं पिछले दिनों पटना में मुख्यमंत्री लोक संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डफेट सिस्टम की जानकारी दी और बताया कि आपदा की घड़ी में यह सिस्टम पूरी तरह कारगर है। दरअसल इस उपकरण के जरिए बहुमंजिला इमारत में फंसे लोगों को दूसरी इमारत से आसानी से निकाला जा सकता है।
वहीं डॉक्टर अजय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को उपकरण से संबंधित अधिक जानकारी लेने का निर्देश दिया है। मैंने एक नया सोच दिया है कि छत पर फंसे लोगों को नीचे नहीं उतारने की सोच कर आप बगल में जगह है वह है दूसरे का छत। प्रायः शहरों में छतें एक दूसरे से सटी होती है, 5 फीट 10 फीट 15 फीट की दूरी पर होती है, तो क्यों नहीं हर एक मकान मालिक अपने पड़ोसी के छत के हिसाब से एक सेतु जैसा पुलिया बना के रखे या एक ऊंची सीढ़ी रखे जो बगल के छत पर चढ़ के चले जाए, लेकिन उसको लॉक रखे, अपने कब्जे में रखे। तो इस नई सोच से आप किसी को भी ट्रांसफर करा सकते हैं जिस घर में आग लगी है उससे। तो इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है उन्होंने और इसे नई सोच बनाया बताया और हमें जो है आपदा प्रबंधन विभाग में भेजा गया कि आप देखिए इसमें क्या है और इसको कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। कटोरिया थाना क्षेत्र के बुटवरिया गांव में 13 वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ उसके ही सगे चाचा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर रिश्ते को तार तार कर दिया। घटना 26 जनवरी की है। कटोरिया थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी योगेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। ये 3-4-5 दिन का पहले का मामला है, दुष्कर्म का मामला है। एक चाचा जो योगेंद्र ठाकुर नाम है अपने भतीजी सगी भतीजी के साथ में दुष्कर्म किया है। यह मामला कटोरिया थाना अंतर्गत बुटवरिया गाँव का है। FIR दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी हो गई है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, CBSE कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, AC बस विथ GPS एंड CCTV, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है GD गोइंका पब्लिक स्कूल, G6 बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट सदन में पेश किया। आम बजट 2020-21 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आम नागरिकों को कई प्रकार की राहत दी। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि अब 5 लाख तक की आय पर लोगों को कोई टैक्स नहीं लगेगा, साथ ही पुराने स्लैब से भी इनकम टैक्स देने की बात कही। वहीं भागलपुर के ईस्टर्न विहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यालय में बजट का लाइव प्रसारण किया गया। बजट पेश होने के बाद नेता, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, शिक्षाविद और आम लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा जो आज 2021 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है वो एक प्रस्ताव है। यह बजट अभी पास नहीं हुआ है, सिर्फ प्रस्ताव है। और इस बजट में अनेकानेक प्रावधान हमारे देश की प्रगति के लिए रखे गए हैं, खासकर ग्रामीण विकास के लिए और कृषि विकास के लिए जो हमारे देश की रीढ़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान रखे गए हैं। तो युवाओं के लिए खास करके, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि जो युवा ग्रुप C ग्रुप D के एग्ज़ाम के लिए ट्रेनों में भर भर करके एग्जामिनेशन सेंटर जाते थे, उनके लिए इस बार सरकार ने ऐलान किया है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगी, जिससे युवाओं को बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िले में अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। इससे उनका समय, पैसा और मेहनत सब बचेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थामा बजट का दामन, कहा
अब सेहत और खुशहाली का होगा नया दौर, शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पर दिया जोर, कृषि हो या जल संरक्षण सब पर था ध्यान, नई शिक्षा नीति का होगा जल्द ऐलान, रेल को रफ्तार देगी तेजस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन से नहीं होंगी बेटी बेबस, करदाता को नहीं किया जाएगा अब तंग, बैंकों में 5 लाख रुपए तक नहीं लगेगी जंग। देखिए, यह आम बजट हम कह सकते हैं कि देश को विकास की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ाने वाला है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और रोजगार सृजन के लिए जो व्यापक उसमें अपनी घोषणाएं की हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और जिस तरीके से पूरे देश में यातायात का प्रबंधन हो और जो पूर्व में भी जो घोषणाएं की गई थी वो भी पूरा किया गया, और मोदी सरकार का ये दूसरा बजट है, दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट जहाँ तक मेरा व्यवसाय से संबंध है, मैं समझता हूँ कि बजट ओवरऑल नॉर्मली ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बोलूँगा कि आम आदमी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बजट देखते हैं डायरेक्टली जो भी व्यवसाय में होते हैं। पहले 5 लाख तक हम लोग को दिया जाता था, आम आदमी को 5 लाख तक की जो आय होती थी उसमें कोई टैक्स नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने। मेजर चेंजेस जो हुए हैं, जो 15 लाख तक कमाते थे पैसा लोग, उसमें अब 78,000 रुपये की उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। पिछले साल वो 78,000 रुपये ज़्यादा देते थे, इस साल उनको 78,000 का डायरेक्ट फायदा। प्लस अब बहुत सी योजनाएं इन्होंने चलाई है, तेजस रेल चल रही है हिंदुस्तान में, उसके तरफ 150 ट्रेन और चलेगी, तो वो तो मैं आपको देखना है कब क्या चलेगी, कब ये जो स्कीम्स हैं ये कब लागू होगी। जगदीशपुर थाना एवं भागलपुर रेल पुलिस द्वारा जब्त की हुई शराब को नष्ट कर दिया गया। जगदीशपुर अंचलाधिकारी सोनू भगत, जगदीशपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी, भागलपुर उत्पाद निरीक्षक चंदन कुमार एवं योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में भागलपुर रेल पुलिस थाना के 1200 लीटर एवं जगदीशपुर थाना के 590 लीटर शराब को गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया गया। प्री पीएचडी परीक्षा को लेकर दिव्यांग छात्र देवानंद गुप्ता ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। दृष्टिहीन छात्र देवानंद गुप्ता ने कहा कि प्री पीएचडी परीक्षा में राइटर की मांग करने पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंटर का राइटर दिया, जिसके कारण वह सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि हम जैसे दिव्यांग छात्रों का भी वह हंसते हंसते जीवन दांव पर लगा सकते हैं। प्री पीएचडी जैसे हाई प्रोफाइल एग्जाम में भी हमें इंटरमीडिएट की एक छात्रा के साथ परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जाता है और पूछने पर नियम का हवाला दिया जाता है। दरअसल सीसीडीसी महाशय को नियमों की जरा भी जानकारी नहीं होती और कंट्रोलर साहब से बात करने पर वे साफ तौर से कहते हैं तुम्हें परीक्षा देना है तो दो अन्यथा बाहर जाओ, जबकि अगले ही दिन आरटीआई का जवाब आता है जिसमें स्पष्ट रूप से यूनिवर्सिटी ने लिखा कि हम अपने से 2 वर्ष नीचे अर्थात अंडर ग्रेजुएट राइटर को बैठा सकते थे। इस दृष्टि से स्पष्ट है कि यूनिवर्सिटी अपने ही नियमों में फंस रही है और हम जैसे नेट क्वालिफाई छात्र का जीवन अंधकार में धकेलना चाह रही है। ललमटिया थाना क्षेत्र के कबीरपुर में शनिवार को मोहम्मद आजम के गैरेज में बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही नाथनगर इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन एवं ललमटिया ओपी प्रभारी ओम प्रकाश दलवल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज एवं सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं बम निरोधक दस्ते ने काफी मशक्कत के बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में बम को निष्क्रिय किया। यहाँ बम होने की सूचना है, सामने में 2 पोलोथिन रखा हुआ है, देखने से प्रथम दृष्टिया लगता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा रख दिया गया है। हम लोग बम दस्ता को खबर दिए हैं, वो आएंगे और इसको डिस्पोज करेंगे और यहाँ से हटाएंगे। मामला संज्ञान में आई है, ये गैरेज है और इस गैरेज पर किसी शरारती तत्व के द्वारा बम रख दिया गया है और बम एक्सपर्ट टीम को इसकी मैसेज दे दी गई है जिसके द्वारा डिफ्यूज भी होना है और आगे की कार्रवाई उच्चतम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश के आलोक में
आगे की कार्रवाई की जाए। सरस्वती पूजा के अवसर पर डोभी गांव में शनिवार को मध्य विद्यालय में रामलीला तथा वॉलीबॉल मैच का भव्य आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय मंडल एवं तारर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। वॉलीबॉल का फाइनल मैच गौरीपुर एवं अनिकिता के बीच खेला गया। मौके पर नीरज मंडल, संजीत सुमन, विकास कुमार मंडल सहित हजारों लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उम्र विवाद मामले में मेयर सीमा शाह की बड़ी मुश्किलें, भागलपुर नगर निगम की सियासत हुई तेज। सोमवार से बहाल होगी बैंकिंग सेवा, दो दिवसीय हड़ताल से करोड़ों का कारोबार हुआ प्रभावित। दो दिवसीय अंगिका महोत्सव का हुआ समापन, अंगिका को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उठी मांग। नाथनगर में दो गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों को कराया शांत। और डॉक्टर अजय ने बनाया डफेट उपकरण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग से मांगी विशेष जानकारी। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।